नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS हिंदी में। देखिए, ये हमारा 64th BPSC मेंस जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका GS-1 का सेकंड पार्ट सेक्शन 2 जो है IR वाला सेक्शन, उसका हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। फर्स्ट सेक्शन का हो चुका है, जो कि हिस्ट्री वाला पोर्शन था वो मैम कर चुकी हैं। इसके बाद अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है सेक्शन 2 IR वाला हम करते हैं। अब इससे पहले एक चीज़ आप लोग को बता दें, कुछ बातें हैं 64th मेंस वालों के लिए जो कि ज़रूरी हैं, तो बस 1 से 2 मिनट आपका लेंगे और इसके बाद का ये जो भी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि आप भले ही इसको 2 से 3 बार में देखिए, पार्ट पार्ट में देखिए, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। निश्चित है कि आपको बेनिफिट होगा। तो एक चीज़ ये देखिए, आप लोगों का तो जैसे 5 तारीख को था एग्ज़ाम होने का, ऐसा चांस था, हालांकि कोई ऑफिशियल डेट नहीं था कि 5 जुलाई से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला था, तो वो तो फिलहाल अब नहीं होना है। तो आपको लग रहा होगा कि समय आपको थोड़ा ज़्यादा मिल गया है। तो जो भी लोग 64th BPSC मेंस दे रहे हैं वो एक चीज़ पहले रियलाइज़ कर लें। दो बातें हैं। पहली चीज़ तो उनको कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब 65th प्रीलिम्स को कैसे मैनेज करके चलें, और दूसरी ये चीज़ कि दूसरी बात वो मैं अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए 65वीं का जो BPSC PT होने जा रहा है उसमें कंपटीशन लेवल और काफ़ी वो टफ होने जा रहा है। ये 64वीं जैसा इस बार नहीं रहना है, 65वीं में बहुत कुछ चेंज होना है। सीटें कम हैं, कंपटीशन उससे ज़्यादा है, डबल कंपटीशन होने जा रहा है। तो इस वजह से इसमें आपके लिए आगे दिक्कत करेगा। तो आपको जिन लोगों को चांस मिला है 64th BPSC मेंस का, वो अपना इसको लास्ट चांस समझ के पूरी मेहनत से पूरे ताकत से लग के करें, क्योंकि आपको समय भी एक्स्ट्रा मिल गया है। जिनका थोड़ा बहुत वीक रहा होगा अब वो भी अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कि 64th BPSC मेंस में भी कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि UPPCS का जो मेंस था वो कैंसिल कर दिया गया। तो जो लोग कुछ डायलेमा में रहे होंगे, जिनकी तैयारी डिवाइड रही होगी, जो लोग ये सोच रहे होंगे, जो यूपी के होंगे वो सोच रहे होंगे चलो हम यूपी अपना UPPCS देंगे, बिहार छोड़ देंगे, या फिर जो ये सोच रहे होंगे कि अब यूपी का एग्ज़ाम पहले था तो पहले यूपी की तैयारी करते हैं फिर बचे टाइम बिहार की करते हैं, तो उससे हैम्पर होता BPSC उनका। तो जिस वजह से तब आप लोग का कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा कम था, कम होता, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब वो सब लोग BPSC जिनका निकला सब के सब पूरी तन मन से लग के एग्ज़ाम देंगे। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे वो ऑब्वियसली एडवांटेजेस में हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत और बढ़ा के रखना है। उन्हें बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है कि नहीं, अभी तो मेरा एग्ज़ाम थोड़ा वो टल गया है तो रिलैक्स करते हैं। अब देखते हैं एक चीज़ ये कि जैसे अब आपके पास देखिए लगभग 10 जून ये हो गया, ठीक है, 9 है आज तो 10 मान लेते हैं। इधर आपके पास 20 डेज इधर हैं, बाकी उधर 10-15 दिन और मान लीजिए आपको मिल जाते हैं, तो आप 30 डेज का फिलहाल मान के चलिए, 30 टू 40 डेज का, ठीक है। अब इस 30 टू 40 डेज का आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हालांकि हम इसके बाद आपको प्लान एक देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आप ये समझ के रखिए कि आने आपका टेस्ट भी देखिए लगभग 11-12 तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये रखना चाहिए कि जून जून के लास्ट तक जितने भी टेस्ट हुए हैं अभी तक उन टेस्ट के सभी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बोला जाता है 3 क्वेश्चन करना है फर्स्ट सेक्शन से, तो 3 तो आप कोई किए होंगे, लेकिन रिमेनिंग जो 2 या 3 क्वेश्चन छूटे हैं उनको भी आप पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उनको अगर आप तैयार करके रखेंगे तो एग्ज़ाम के समय में कोई भी कुछ क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो जो 3 आपने सॉल्व किया है वो तो अच्छी बात है, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप प्रॉपर तैयार कर लीजिए सभी टेस्ट के, ठीक है। सभी 3 टेस्ट हुए हैं, 3 से मतलब 3 GS-1 के, 3 GS-2 के, वो कंप्लीट कीजिए सभी क्वेश्चन, प्लस जो ओपन हम लोग का ग्रुप चल रहा था उसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए थे वो सारे तैयार कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए 2 बार कम से कम। इस तरीके से आप कंप्लीट हो चुका होगा आपका सारा सिलेबस और सारी चीज़ें। बाकी का जो आपका जुलाई का स्टार्ट होगा वहाँ से आप फिर आप अपना कंप्लीट सिलेबस एक बार पूरा रिवाइज करने की तरफ जाएंगे, आपके जितने शॉर्ट नोट्स हैं, फैक्चुअल डेटाज हैं, फैक्ट्स वगैरह वो उन सबको। चलिए अब दूसरी बात ये हम कहना चाह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 65वीं BPSC को कैसे साथ में लेके चलें। तो देखिए आपको 65वीं के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, उसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो बिहार का GK है, ठीक है, बिहार GK और करंट अफेयर में नेशनल और बिहार दोनों,
ये पार्ट आप काम इन पार्ट को आप तैयार कर सकते हैं, और ये पार्ट बीपीएससी प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन तो इन्हीं से कंप्लीट हो जाते हैं। अब दूसरा इसका फ़ायदा क्या है मेंस में, कि जब बिहार जीके आपको पता होगा, बिहार के फैक्ट्स आपको पता होंगे, तो आप मेंस के आंसर में उन फैक्ट्स को यूज़ कर पाएंगे। करंट अफेयर नेशनल कंप्लीट रहेगा आप, तो उन करंट अफेयर के पॉइंट्स को आप अपने आंसर में यूज़ कर पाएंगे, और अगर बिहार का करंट अफेयर भी आपका तैयार रहेगा तो आप उन्हें भी अपने मेंस के पॉइंट्स में यूज़ कर पाएंगे। तो उससे आपका मेंस का आंसर भी बहुत होलिस्टिक, बहुत ही बेहतर आंसर बनेगा, वहाँ भी आपको बेनिफिट और प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ और, कि जो हम लोगों का आंसर जो इवेल्युएशन करने का फॉर्मेट था उसको एक बार हम देख लेते हैं, उसमें कुछ लोग थोड़ा कन्फ्यूज थे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें कि जो आपका जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, जो लोग इससे रिलेटेड नहीं है फिलहाल, तो वो डायरेक्ट 10 मिनट के बाद से जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाके आप फाइनल डिस्कशन देख सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है टाइम वेस्ट आपको लगे, क्योंकि मतलब आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं वो लोग इस सेक्शन को देख लेंगे, बाकी लोग सीधे आप 10 मिनट के बाद पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट था आंसर को चेक करने का, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, आप लोग जिस तरीके से तैयारी किए हैं, जिस तरीके से लिखते जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, और वो लगातार इम्प्रूव किए हैं, सॉरी सॉरी, वो लोग लगातार इम्प्रूव किए हैं, तो उनका रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपने अच्छे मार्क्स को मेंटेन रखे हैं, कंटिन्यूटी उसमें रखे रख बनी रही है, कि वो उस मार्क्स को लगातार मोर और लेस उस नंबर तक पहुंच रहे हैं, तो इसलिए उनका रिजल्ट आने की बहुत चांस है। और जो हमारा टारगेट भी है कि मिनिमम, मतलब एकदम मिनिमम 50 सेलेक्शन आईएएस हिंदी से होना चाहिए, जो कि 100 तक जाएगा, 50 to 100 तक जाना चाहिए। हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 50 सेलेक्शन मेन्स में इस फाइनल सिलेक्शन हमारा यहां से इतना होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और कर भी रहे हैं। तो लेकिन एक कुछ कंफ्यूजन रहा है इवेल्युएशन को लेके, उस पर हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने कर देना चाह रहे हैं। देखिए ये फॉर्मेट आपको क्यों इस तरीके से दिया गया था, आप इसके मतलब आप इम्पोर्टेंस को समझिए। देखिए एक एक क्वेश्चन पे आपके देखा जा रहा है कि आपका उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसा था, कंटेंट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा था, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट बनाया है नहीं बनाया है, कैसा बनाया है, जरूरी था कि नहीं था, कि बस फर्जी का है, कंक्लूजन कैसा था, फिर उन सभी 5 पॉइंट के आधार पे आपको नंबर दिया जाता है। आप कहीं भी कोई भी कोचिंग में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे कुछ कोचिंग में तो क्या है कि पूरी कॉपी का ओवरऑल एक फॉर्मेट ऐसे बना दिए हैं कि ओवरऑल आपके कॉपी में इंट्रोडक्शन का स्टेटस कैसा था, कंटेंट तो रहता नहीं है, 3-4 पॉइंट देख लेते हैं कि मतलब ओवरऑल कॉपी पे क्या था, और बाकी अंदर कॉपी में सिर्फ नंबर दिया जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे बीपीएससी फेमस कोचिंग्स वगैरह हैं, वो लोग जनरली नंबर चढ़ा देते हैं, वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स फिक्स नंबर। ये एक्सपीरियंस मैं देखा हुआ हूँ, कई लोगों की कॉपी देखे हुए हैं, और ये अपना पर्सनल अनुभव भी रहा है पहले का, तो इसलिए वो सब देखा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि वो इवेल्युएशन, और वो भी कॉपी कब तक मिलती है, मतलब टेस्ट दे दिए हैं 8-10 दिन में कॉपी मिलती है, कॉपी मिली उसमें पता चला सब में 20-20 पकड़ाए हैं, किसी में कोई कम लिख दिया तो 15 दे दिए। अब वो लड़का बोला कि सर इस तरीके से कैसे मतलब इवेल्युएशन किया गया है कैसे, तो बोल देते हैं ठीक है आप कॉपी जमा कर दीजिए, दोबारा हम रिव्यू करके आपको फिर से देंगे, फिर कोई सुधार नहीं, दूसरी कॉपी में भी फिर से उसी तरीके से। तो लड़का थक हार के क्या करता है, खुद से ही टेस्ट देना अपने रूम पे ही देना शुरू करता है, और खुद से ही सोचता है कि मेरी राइटिंग बस प्रैक्टिस हो जाए, बाकी हम तो देख लेंगे, खुद इवेलुएट करने में अगर वो सक्षम है तो देख लेता है, नहीं तो नहीं। तो ये होता है उन सब बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, फीस कितनी होती है आपको पता ही है, 5-5 हज़ार रुपये। तो हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ धोखा टाइप का हो कि आप लोग को पता भी ना चले और आपके पैसे भी चले गए, कुछ इम्प्रूव भी नहीं हुआ एग्ज़ाम, और नंबर भी ठीक ठाक उन लोग दे देते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा ठीक ठाक तैयारी चल रहा है, एग्ज़ाम के टाइम पे जाते हैं और वहाँ पर नंबर नहीं मिलता है। तो देखिए इसलिए अगर आपको कम नंबर मिल रहा था टेस्ट सीरीज में, कम नंबर मिले हैं, तो आपके पास एक स्कोप होता है, आप सोचते हैं कि हम आगे कैसे इम्प्रूव करें अपने आंसर्स को, तो वहाँ, लेकिन जब आपको पास ज़्यादा ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है, आपको लगेगा मेरी तैयारी सही चल रही। तो इसका देखिए आधार क्या था, अगर आपके मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 में आपको गुड दिया गया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है,
और क्वेश्चन टू में आपको एक्सीलेंट दिया गया है इंट्रोडक्शन में, तो आप ही के पास, आप ही के दो आंसर, दो इंट्रोडक्शन है जिसमें आप खुद कंपेयर कर पाएंगे कि इसमें एक्सीलेंट क्यों मिला होगा, इसमें गुड क्यों मिला है, इसका मतलब इसमें मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए था। तो इससे आप खुद इवेलुएट करके आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें मुझे ये चीज़ और देनी चाहिए थी, इसका मतलब मेरा ये इंट्रोडक्शन ठीक नहीं था जबकि ये अच्छा था। तो आपको अपने आप से आइडिया लगेगा कि बेहतर क्या होगा। सेम वही चीज़ आप देख सकते हैं अदर चीज़ों में भी, कि अगर कंक्लूजन कहीं बेहतर किया गया, वहाँ बोल रहा है कि नीड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कहीं पिंक एक्सीलेंट दिया गया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे आठों क्वेश्चन के का कंक्लूजन खराब होगा तो वहाँ पर लिख दिया जाए नीड इम्प्रूवमेंट, किसी किसी में नीड इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ आपको बताया जाता था, उस हिसाब से आपको नंबर दिया जाता था। तो आप इस चीज़ को अगर फॉलो किए होंगे, जिन लोगों ने फॉलो किया है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट किए हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको आप लोग अगर कहेंगे तो आपका जो लास्ट टेस्ट है GS-2 वाला, उसमें हम डिटेल में थोड़ा आपको रिव्यू दे सकते हैं ओवरऑल कॉपी को लेके, कि मतलब ये कॉपी को देखने के बाद अब फाइनल क्या निकल के आता है कि इस कॉपी को और भी बेहतर करने के लिए 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट क्या हो सकते हैं जिससे कि ओवरऑल इस कॉपी को और इम्प्रूव किया जा सके। तो मतलब वो कमेंट वाइज पूरा लिख के आपको सेंड किया जाएगा, अगर आप कहते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं, ताकि मतलब आपके लिए कहीं से भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी लोग को मतलब इम्प्रूवमेंट हो, अच्छा हो, रिजल्ट आए, हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, और आप लोग जिस तरीके से मेहनत किए मिलेगा भी। चलिए अब हम देख लेते हैं, काफ़ी बातें हो गई, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो हम अपना देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने IR के क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट सेक्शन का ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन है ये, जिसमें कहा गया है क्या कि एक अस्थाई अफगानिस्तान भारत की मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करें तथा संलग्न चुनौतियों का परीक्षण करें। देखिए संलग्न चुनौतियां हमें बताना है, ठीक है, एक अस्थाई अफगानिस्तान भारत की मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, मध्य एशियाई देशों की बात कह रहा है, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशियन जो कंट्री हैं वो हैं कौन सी, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपको, नहीं तो आप वो आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे। कई लोग कंफ्यूज हो चुके हैं वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेंट्रल एशिया में आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे देश हैं, 5 देश हैं, ठीक है। तो हम अफगानिस्तान के माध्यम से इन कंट्रीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि भारत की जो रणनीति है, जो नीति है, विदेश नीति, वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है अगर ये अफगानिस्तान स्थिर नहीं रहा, वहाँ की सरकार स्थिर नहीं रही, वहाँ की सिचुएशन स्थिर नहीं रही, शांति नहीं रहा, तो किस प्रकार से प्रॉब्लम होगा और वो कैसे चुनौतियाँ क्या हैं। तो आप देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी किसी कंट्री को लेकर रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है IR के क्वेश्चन में, तो हर कंट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको IR के क्वेश्चंस में डालना चाहिए, वो अगर आप डालते हैं तो आपका IR का क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसमें कैसे क्या कर सकते थे। तो देखिए अफगानिस्तान के लिए जब बात होती है तो हम सब उसमें ये महत्वपूर्ण रखते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कि जैसे आप उसको बोल सकते हैं रणनीतिक साझेदारी है ना, तो वो किस लिए है, वो अफगानिस्तान में अस्थायित्व और वहाँ की सर्वसमावेशी शांति के लिए ही ये एग्रीमेंट किया गया है, जो कि इंडिया उसमें उसका समर्थन करता है। तो आप इसका क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की शुरुआत ही इस पॉइंट से कर सकते हैं कि इन दोनों के मध्य में जो रणनीतिक साझेदारी हुई है, जो रणनीतिक साझेदारी, जो समझौता हुआ है, वो अफगानिस्तान के अस्थायित्व और उसके सर्वसमावेशी विकास के लिए ही इस तरह का अग्रीमेंट हुआ है, तो इसलिए और इसलिए वो भारत के लिए मतलब आवश्यक है, जरूरी है, इस तरीके की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि पहले हम इस पॉइंट को पहले क्लियर करेंगे अस्थाई अफगानिस्तान वाले को, फिर हम इसमें नीतियों को देखेंगे कि मध्य एशियाई देशों के प्रति कैसे अफगानिस्तान महत्वपूर्ण है और फिर क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे महत्वपूर्ण है, या आप जिस चीज़ को, जैसे हार्ट ऑफ एशिया है, हार्ट ऑफ एशिया जो प्रक्रिया है उसकी स्थापना ही इसलिए की गई थी कि अफगानिस्तान को सेंटर में रख के,
ठीक है, अफगानिस्तान को सेंटर में रख के उसके पड़ोसी और जो क्षेत्रीय साझेदार भागीदार देश हैं उनके साथ जो भी चुनौतियां या हित हैं उनको ही एड्रेस करने के लिए ये हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस का गठन किया गया था। तो आप पहला पॉइंट ही ये लिखें, और उसमें इंडिया मेंबर है, इंडिया उसका भागीदार है, तो आप हार्ट ऑफ एशिया का पॉइंट डालेंगे। तो ये सब देखिए कीवर्ड्स हैं, ये पॉइंट हैं जो कि आपको एक सेंटेंस फॉर्म करा रहे हैं। आपको कोई चीज़ नहीं पता हो लेकिन अफगानिस्तान से रिलेटेड दो चार चीज़ें पता होंगी, हार्ट ऑफ एशिया जैसे कन्फर्म पता रहे, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पता हो, ठीक है, वहाँ की कुछ परियोजनाएं पता हो, ऐसी कुछ परियोजनाएं पता हो जो कि मध्य एशिया से अफगानिस्तान भारत इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हो, तो आप बता सकते हैं कि कैसे मध्य एशिया जो भारत के लिए ज़रूरी है। तो उसी के बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि कई परियोजनाएं हैं, जैसे भारत अफगानिस्तान में उन परियोजनाओं को क्यों कर रहा है, लागू करना चाह रहा है, उन परियोजनाओं पे क्यों काम कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान का आर्थिक विकास हो, शांति हो और एक अस्थायी सरकार का वहाँ निर्माण संभव हो सके। तो उसके लिए देखिए आपको ये पॉइंट नाम लिखेंगे, जारान देलाराम राजमार्ग है, संसद भवन का निर्माण किया, सलमा डैम का किया, फिर ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसके माध्यम से पाकिस्तान ये अफगानिस्तान के थ्रू ट्रेड रूट की काम अफगानिस्तान में ट्रेड के लिए एक मार्ग खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। अब अस्थाई अफगानिस्तान के लिए दूसरा पॉइंट भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सैन्य उपस्थिति है, जैसे अमेरिका के सैनिकों की उपस्थिति है, जिसकी वजह से ही वहाँ पे एक शांति और अस्थायित्व की स्थापना हो सकी है, तो वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप यहाँ वो पॉइंट भी डाल सकते हैं कि भारत अपनी सैन्य उपस्थिति मतलब भले ही टालता रहा है, लेकिन यूएसए भी कई बार कह चुका है कि भारत को अफगानिस्तान में अपनी मतलब संलग्नता को बढ़ावा देना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ये क्यों, फिर चुनौतियों की बात कर रहा है, ठीक है, चुनौतियों को आप देख लीजिए। जैसे पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान को अस्थायी रखने में, तो सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान हो गया, फिर तालिबान है, तो ये सब पॉइंट की वर्ड्स हैं, आप इनमें सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जैसे डायरेक्ट स्थल से कोई कनेक्टिविटी है नहीं, जाना पड़ता है चाबहार वगैरह के माध्यम से या फिर हवाई तरीकों से जाना पड़ता है, डिजिटल कनेक्टिविटी हो सकती है, इन सबको बढ़ावा दिया जा सकता है। इस तरीके से पॉइंट्स को आप इंटर कनेक्ट करते हुए कर सकते हैं। फिर चुनौती, एक सबसे बड़ी चुनौती ये अभी आई कि अमेरिका वहाँ से सैनिकों को वापस बुलाने लगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे पॉइंट्स को आप कीवर्ड्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताते हैं कि जब भी आप कोई भी कंट्री से रिलेशनशिप के बारे में लिख रहे हो तो ध्यान रखिए कि वो कंट्री किन किन ऑर्गेनाइजेशन में है, किन किन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जिसमें इंडिया भी है, ठीक है। अब जैसे जो 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 या फिर उसके आसपास ऐसे कोई हो, तो आप एक तरीके से देखिए कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए SCO की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब SCO की महत्वपूर्ण भूमिका, SCO का नाम क्यों आया, क्योंकि हम बोल रहे हैं मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि के लिए, तो मध्य एशियाई देश जो है उनमें से ज़्यादातर मैक्सिमम सभी आपका SCO के मेंबर हैं, तो और अफगानिस्तान की बाउंड्री जो है वो आपका ताजिकिस्तान से भी मिलता है और इधर तुर्कमेनिस्तान से भी मिलता है। तो ये अगर अफगानिस्तान में स्थायित्व बरकरार रखना है तो इन सभी देशों, इन सभी पड़ोसी देशों से भी संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, और SCO का मेंबर चूंकि अब भारत हो गया है, तो अफगानिस्तान में कोई भी अगर शांति समझौता, शांति प्रक्रिया की कोई भी बात होगी, कोई भी अगर स्थायित्व के लिए कोई भी कार्य होगा, तो उसमें भारत को उस प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसलिए भारत को ये मतलब आप कंक्लूजन में इस तरह की बातें डाल सकते हैं कि SCO में जो भारत का जो मतलब सदस्यता मिला है वो अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बहाल करने में का एक अवसर प्रदान करेगा भारत को। तो ये है, देखिए इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। अब देखिए भारत एक, ये हम देखिए आपको एक ओवरव्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य एशिया क्यों महत्वपूर्ण है ये भी एक पार्ट है, उसको आप देख सकते हैं कि ऊर्जा संसाधन है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर पावर्स हैं यूरेनियम वगैरह के लिए, ठीक है, ऊर्जा संसाधन है। अब चूंकि भारत से वहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है नहीं, बीच में पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो समस्या पैदा करता है। फिर उसके बाद कनेक्ट सेंट्रल एशिया की पॉलिसी है, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया की पॉलिसी जो है 2012 की, उसके लिए वो मध्य एशियाई देशों के लिए ही है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। अभी आप देखिए एक एग्रीमेंट भी हुआ था
ये सॉरी क्या नाम था, लापिस लाजुली करके एक कॉरिडोर की स्थापना की गई थी, असगाबाद समझौता हुआ था। तो ये सब शो करता है मध्य एशियाई देशों के प्रति भारत की नीति के बारे में, ठीक है। जिस अब ये आप पूरा ओवरऑल एक क्वेश्चन को समझ पाए कि किस तरीके से इसमें पॉइंट्स, आपको सिर्फ पॉइंट्स पता होना चाहिए। लापिस लाजुली समझौता कॉरिडोर पता है, असगाबाद समझौता आपको मोटा मोटा पता है, आप उनको कैसे यूज कर पाते हो ये मैटर करता है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो ये मुझे लगता है कि आपका ये पार्ट अब काफ़ी क्लियर हो चुका होगा, ये मध्य एशिया, अफगानिस्तान और इंडिया, तो ये इस तरीके से कैसे कनेक्ट किया हुआ था ये क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और आप लोग जानिए कि पीटी का क्वेश्चन भले ही थोड़ा फैक्चुअल आता हो बीपीएससी में, और लेकिन मेंस के क्वेश्चन आप देखते होंगे कि लगातार इसका लेवल बढ़ता जा रहा है और यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो हमें लगता है कि इस बार और भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको जो जिस प्रकार से हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस रहे हैं उससे निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। और हम लोग कोशिश करते भी हैं कि डायमेंशंस को कनेक्ट करते हुए, कई डायमेंशंस को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, जिससे कि आप काफ़ी नॉलेज उसको ले सकें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत, इस क्वेश्चन को फिलहाल अभी छोड़ते हैं, इसमें हम बाद में आएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य मौजूदा संबंधों पर टिप्पणी कीजिए, साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। सिंपल सा पूछ रहा है, वर्तमान में क्या संबंध हैं भारत पाकिस्तान के मध्य और उसके लिए क्या सुझाव देना है जो कि जिससे कि बेहतर हो सके संबंध। तो उसके लिए देख सकते हैं हमारे अभी वर्तमान में, देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य कई मुद्दे हैं, संबंधों के कई डायमेंशन हैं, लेकिन जब कह रहा है कि मौजूदा संबंधों पर टिप्पणी करें और आपके पास स्पेस कम है, तो आप यहाँ मेन मेन मुद्दे जैसे हैं बस उन्हीं को आप कर बता सकते हैं। जैसे आतंकवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है, फिर उसके बाद कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी देखिए चर्चा में जब से ये अटैक्स वगैरह हुए हैं तो तब से सिंधु जल समझौता एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, सीपीईसी आपका एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस तरीके से इन सब मुद्दों को आप जो अभी फिलहाल हैं, जैसे कुलभूषण जाधव वाला मुद्दा था इसी में, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो और उसके बाद जैसे आप देख लीजिए कि अभी, हाँ एक चीज़ और, अभी फिलहाल जब ये अटैक हुआ था, आतंकवादी घटना हुई थी, तो उसके बाद MFN दर्जा ख़त्म कर दिया गया, तो वो एक मुद्दा बनता है जो कि आपका व्यापार वगैरह से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से इतने पॉइंट्स आपके मुद्दे बन गए, अब इन मुद्दों को हेडिंग वाइज आप एक्सप्लेन करते जाएंगे, समझाते जाएंगे कि इसमें क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या भारत ने स्टेप लिया है, खत्म बात वहाँ पे। आपका ये समझ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है कि संबंध कैसे हैं। तो आपको एक्स्ट्रा अब सियाचिन है या फिर सर क्रीक है, इन सब चीज़ों को फिर लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब बहुत पुराने मुद्दे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बोलता है कि क्या सुझाव कर देना चाहते हैं। अब देखिए सुझाव के लिए आपको हमेशा भारत कोई भी देश से जब हमारा सुझाव हो या फिर स्टैंड लेने की बात हो कि क्या करना चाहिए, तो हमें भारत सरकार की नीतियों के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको रिलेट कर पाए, उसी को उसी स्टैंड पे भी हमेरा भी स्टैंड होना चाहिए। तो आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का पाकिस्तान के प्रति आपको सभी लोगों को पता है कि एक स्ट्रिक्ट सा रूल है कि वो ये मानते हैं कि हाँ बातचीत के माध्यम से समस्याएं ख़त्म की जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ वो दो कंडीशन लगाते हैं भारत की तरफ से कि उस बातचीत में सिर्फ दो पक्ष होंगे, कौन, भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, सिर्फ ये दो होंगे, कहीं यूएन नहीं, कहीं कोई दूसरा देश नहीं, कहीं चाइना नहीं, कहीं यूएसए नहीं, कोई और नहीं होगा, हम ही दो लोग आपस में बात करके अपने इसको सब सुलझाएंगे। दूसरी बात ये कहता है कि बातचीत तभी होगी जब टेररिज्म खत्म होगा, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा, एक आतंकवाद आप अपने देश से ख़त्म करो, आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, फिर हम आपसे बात करने को तैयार हैं। तो ये आपको स्टैंड सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये पूरे चुनावी मुद्दे अभी चुनाव के समय भी बना रहा। तो ये हो गया, तो ये आप दो ये पॉइंट उसको पहले आप रखेंगे कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, अब उसके बाद आप डाल सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लान पे काम किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप डाल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है या फिर सीज फायर समझौते हैं उनको, उनका पालन किया जाए। फिर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए जाएँ, जिससे कि आपका जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है वो उसको कम किया जा सके। देखिए ये वर्ड्स इस टाइप के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है ना, विश्वास घाटा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हो,
वार्ता और जैसे इन लोगों में हमेशा क्या रहा है, वार्ता होती है, फिर बीच में कोई घटना हो जाती है तो अवरोध आ जाता है, फिर से वार्ता शुरू होती है, फिर कोई आतंकवादी घटना होती है, फिर अवरोध आ जाता है। तो ये जो संस्कृति है इसको खत्म किया जाना चाहिए, वार्ता का प्रक्रिया जो है वो लगातार चलता रहना चाहिए। उसी के लिए देखिए एक पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए कि CDP को मतलब वो अनुशंसा किया गया था, जिसमें कहा गया था संयुक्त तो वार्ता जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। अब देखिए हम आपको एक पॉइंट बोले थे कि जब दो देशों के बीच की बात की जाए तो आप देखिए वो दोनों देश किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमनली हैं। अब भारत पाकिस्तान किस में है, SCO में आ गया है, ठीक है। SCO को अब इम्पोर्टेंस आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि SCO के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के भी संबंधों को मतलब सुधारने की प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि अन्य देशों का भी प्रेशर होता है, ये एक संगठन में एक साथ हैं, तो संगठन में साथ होने का मतलब होता है कि वो लोग दो की विचारधारा ये सब सेम होनी चाहिए, तो उस पे लोगों का काम प्रेशर काम करता है और फिर वो कर सकते हैं। सार्क है, सार्क के माध्यम से कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है, तापी परियोजना है उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप सुझाव दे सकते हैं कि मतलब इस तरीके से बेहतर संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कंक्लूजन की बात हो गई, कंक्लूजन में भी आप देखिए अभी हम लोग भारत अफगानिस्तान के लिए संबंध देखे, ठीक है। आप वही पॉइंट्स में कुछ चीज़ों को आप भारत पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं कि भारत का पश्चिमी एशिया एवं मध्य एशिया से जुड़ाव के लिए पाकिस्तान से संबंध अच्छा होना आवश्यक है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से भारत के लिए जो पड़ोसी प्रथम वाली नीति है उसमें एक प्रमुख स्थान रखेगा, रखता है, मतलब इस टाइप से आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है जब IR आपको सारा पता होता है आप कनेक्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब देखिए हम आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2022 तक जो किसानों की, ये करंट का ही क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई, सब तो IR होता नहीं, तो किसानों की आय दोगुना कृषि निर्यात दोगुना करने का उद्देश्य से भारत सरकार के लिए कृषि निर्यात नीति 2018 प्रस्तुत कीजिए, इस उसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करें। तब देखिए ये प्रावधानों की बात है, उस पर चर्चा करने का है, इसमें सिंपल सा है, आपको अगर ये पता है तो आप इसको क्रम से लिख सकते हैं। हाँ यहाँ एक चीज़ आपको ये बता दें, जब भी कोई भी पॉलिसी के बारे में लिखना होता है, किसी भी कोई भी योजना के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो दो तीन बातों को आप हमेशा याद रखिए कि इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उस योजना का, उस पॉलिसी का उद्देश्य लिखिए, ऑब्जेक्टिव जरूर लिखिए, फिर उसके बाद आप उसके प्रावधानों को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसमें मतलब समीक्षा करके और वे फॉरवर्ड देंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मेट रखना चाहिए, ज़रूरी है। अब एक चीज़ और समझिए, जब आपको मान लीजिए कोई भी पॉलिसी आ गई, कोई भी योजना आ गई, आपको बिल्कुल इसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, और आपको ऑप्शन नहीं है कि इसे छोड़ जा सके। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप जैसे कृषि निर्यात नीति 2018 में सिंपल, यहां पे तो खैर ऑब्जेक्टिव दे ही दिया है कि निर्यात को दोगुना बढ़ा करना है 2022 तक, तो आप इस चीज को, कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए इन जनरल आप अपने दिमाग से नॉर्मल तरीके से सोच सकते हैं कि भाई कृषि निर्यात को बढ़ाना है तो क्या क्या किया जाना चाहिए, तो आप उन जनरल पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो जनरल पॉइंट्स उस पॉलिसी में होंगे ही होंगे, क्योंकि उन पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप समझ लीजिए डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए गुड्स का, एग्रीकल्चर गुड्स हैं जो, ताकि हम विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात करने, वस्तुएं हो जाए हमारे लिए निर्यात करने के लिए, तो वो एक पॉइंट हो गया। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, राज्य सरकारों का मतलब इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, तो इस तरीके से जनरल पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है, फिलहाल ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आप अगर इसके बारे में पता है आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और चाइना के मध्य हुए ट्रेड वॉर के प्रकाश में समकालीन वैश्विक व्यापार व्यवस्था में WTO की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। देखिए WTO की प्रासंगिकता एक अपने आप में अलग क्वेश्चन बनता है और ट्रेड वॉर पे एक अलग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में चाहे WTO पे कोई क्वेश्चन आ जाए, ट्रेड वॉर्स पे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे उन दोनों को कनेक्ट करके क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो सके। अब जैसे अगर ट्रेड वॉर के डायमेंशन की बात करें तो ट्रेड वॉर क्या है, ठीक है, US चाइना के ट्रेड वॉर मतलब किस स्थिति में है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, भारत पर क्या असर पड़ेगा उसका, ठीक है, भारत के लिए मतलब चुनौतियां क्या हैं, भारत पे उसका सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है और वैश्विक प्रभाव क्या होगा। तो इस तरीके से सिर्फ ट्रेड वॉर के ये डायमेंशन हुए। WTO के लिए हो गया कि WTO में रिफॉर्म की क्या मतलब किस प्रकार के रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें भारत की क्या मतलब उस भारत उसमें क्या चाहता है, भारत की मतलब उसमें क्या
आकांक्षाएं हैं, वर्तमान स्थिति में डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता क्या रह गई है, तो इस तरीके से चीज़ें डब्ल्यूटीओ पे पूछी जा सकती हैं। तो दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है। तो पहली चीज़ तो आप ट्रेड वॉर जान लीजिए कि ये ट्रेड वॉर है क्या। हालांकि मुझे लगता है आप लोग सभी लोग को पता ही होगा क्योंकि मेंस देने जा रहे हैं, तो ये सब बेसिक टर्म्स हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ये बेसिक है, ये तो बहुत ही फेमस टर्म है। ट्रेड वॉर का मतलब सिंपल सा हो गया कि जब दो कंट्री हैं, मान लीजिए, ठीक है, दो कंट्री हैं, तो इसमें एक देश, ठीक है, उस अपने ट्रेड जो है, उसका जो व्यापार है, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ मेजर्स उठाता है। मतलब अपने आयात को वो कम करना चाह रहा है, निर्यात को बढ़ाना चाहता है। सिंपल सा है, आयात को वो कम करना चाहता है, उसके लिए वो टैरिफ्स लगाता है। बाहर के देशों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे टैरिफ लगाता है, जिससे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाने की वजह से उसके देश में उसकी खरीद कम होगी, और जो उसके लोकल होंगे, जो वहाँ के स्थानीय उद्योग होंगे, उनको उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उनका प्रोडक्ट क्योंकि सस्ता होगा तो उनको बढ़ावा मिलेगा। एक तरीके से ये एक संरक्षणवादी नीति का परिणाम है ट्रेड वॉर, ठीक है। अब इसी जिस देश पे इन्होंने लगाया, अब वो देश इन पे इनके प्रोडक्ट्स पे लगा देगा, तो जब एक दूसरे पे लगाना शुरू करते हैं तो वो फिर वॉर का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड वॉर। यहाँ पे एक चीज़ और भी जानने की जरूरत है कि ट्रेड वॉर ही आगे चल के फिर करेंसी वॉर में भी चेंज हो सकता है। तो इस तरीके, जैसे ये नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो इस इन्फॉर्मेशन को आप बखूबी यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। अब वो कैसे यूज़ करेंगे वो आपके कला पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने काफ़ी मतलब कोशिश की है समझाने बताने की आपको, तो आप फॉलो किए होंगे तो निश्चित है आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए, तो अब ट्रेड वॉर के, हाँ, तो आप पहले इसमें क्या करना है आपको, भारत चाइना के मध्य जो ट्रेड वॉर हुआ है उसकी पृष्ठभूमि आपको हल्का सा बताना होगा कि किस प्रकार से यूएसए स्टील और एल्यूमिनियम पे मतलब 25 और 16% का मतलब टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जितना वो टैरिफ लगाया, और मान लीजिए अमेरिका को $16 बिलियन का फ़ायदा हुआ, इतना $16 बिलियन उसको टैक्स के रूप में मिला, मान लीजिए उस टैक्स वो टैरिफ लगाने की वजह से, तो चाइना भी क्या करेगा कि इतने ही व्यापार पे ऐसा वो भी टैक्स लगाएगा कि ये जो पैसा उसको लॉस हो रहा था फिर वो यहाँ से कवर कर ले। तो लगभग बराबर पे ही करते हैं इस जैसे अब इसमें इस चपेट में तो इंडिया भी आ चुका है, तो इंडिया भी उसी प्रकार से करना शुरू किया है। तो ये चीज़ आप बताएंगे कि वही स्टील और एल्यूमिनियम पे किया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स पे इधर ये किया, चाइना किया, फिर उसके बाद आप बताएंगे, फिर और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इससे क्या समस्या है। भारत का एंगल इसमें आप जरूर डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जब इंडिया भारत के एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपको इंडिया का कनेक्शन देना ही चाहिए। फॉर जैस एकदम उसी तरीके से जैसे आप जब स्टेट पीसीएस देते हैं, जैसे बीपीएससी दे रहे हैं, तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा गया है, लेकिन अगर आपके पास बिहार से रिलेटेड कोई भी फैक्ट उस टॉपिक पे है तो आप बिहार का फैक्ट जरूर डालिए, ताकि वो लगे कि हाँ आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार का पॉइंट आना जरूरी है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ही काम की बात है। जो इस चीज़ को फॉलो करेगा उसको उसको नंबर निश्चित है कि एक्स्ट्रा मिलना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, तो आप इंडिया का पॉइंट्स आप कनेक्ट कीजिए कि इंडिया के साथ भी ऐसा हो रहा है, इंडिया इसका फ़ायदा भी उठा सकता है, और हालांकि इंडिया को कुछ नुकसान भी है। इस तरीके से एक पेज में आप लगभग इस चीज़ों को 1-1.5 पेज में लिख सकते हैं आराम से, 1 से 1.5-2 पेज तक। फिर उसके बाद आप डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है समझने वाली चीज़, कि सभी वर्ल्ड जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अपने ही हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो जब मुक्त व्यापार की ज़रूरत थी, मतलब विकासशील देशों के दोहन की ज़रूरत थी, उनके मार्केट की ज़रूरत थी, वहाँ के रिसोर्स की ज़रूरत थी, तो इन्होंने लाया डब्ल्यूटीओ और बोला कि मुक्त व्यापार होना चाहिए। अब जब वो विकासशील देश सक्षम हो गए हैं कि विकसित देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पा रहे हैं, वहाँ पे बेच पा रहे हैं, वो सस्ते तरीके से जा रहा है, तो अब इनको लग रहा है नहीं, अब मुक्त व्यापार नहीं होना चाहिए, अब हम सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार करेंगे, द्विपक्षीय समझौते करेंगे। तो इसलिए विकासशील देश क्या करते हैं, डब्ल्यूटीओ को अब कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है, उसी का एक
उसी क्रम में ये है आपका ट्रेड वॉर, जहाँ पे यूएस हमेशा बार बार इस तरीके की बात ट्रंप करते रहते हैं कि WTO मतलब हम बंद कर देंगे, अपॉइंटमेंट रोक दिया है वगैरह वगैरह, धमकी देते रहते हैं। इन्हीं सब चक्कर में WTO कमज़ोर होता जा रहा है। फिर आप देखिए, ये चाइना गया, अब इंडिया भी गया यूएसए के खिलाफ WTO में, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो पाया। तो इसलिए इसके प्रासंगिकता पर सवाल उठता है। लेकिन फाइनल आप कंक्लूजन देंगे कि लेकिन WTO की प्रासंगिकता वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि व्यापार जो आपका व्यापार विनियमन का कार्य है, पूरे वैश्विक व्यापार विनियमन का कार्य है, वो WTO के माध्यम से ही सभी देश एक प्लेटफॉर्म पे आके कर सकते हैं। जो व्यापार नियमों का संचालन है वो यहीं से हो सकता है। इसका देखिए उद्देश्य है। अब इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, प्रासंगिकता जब पूछे तो आपको WTO के कुछ उद्देश्य भी अगर पता होंगे तो आप उन्हीं के आधार पर पॉइंट्स आप बनाते हैं चले जाएंगे। जैसे व्यापार उदारीकरण, इसका एक मैंडेट है, एक उद्देश्य रहा है, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं कि वो प्रभावित होगा और भविष्य में फिर ये इस तरह की समस्याएं और भी बढ़ती जाएंगी। तो आप ये एक व्यापार विवाद निपटान का भी कार्य करता है। अन्य देशों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके कर सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में आप बता सकते हैं इसकी प्रासंगिकता अभी भी है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा वगैरह को भी लेके। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 11 पे। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहा होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। सार्क माइनस वन सूत्रीकरण अर्थात पाकिस्तान के बगैर बगैर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में भारत के कूटनीतिक प्रयासों में सार्क पर बिम्स्टेक के महत्व की विवेचना करें। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। आप इस क्वेश्चन को अगर समझ रहे हैं, सार्क माइनस वन में से वन कौन है, वो पाकिस्तान, सार्क में से पाकिस्तान को हटा दीजिए तो बन गया सार्क माइनस वन। तो अब भारत इस पे ही काम कर रहा है। जनरली देखिए हर चीज़ों में पाकिस्तान को अलग कर देता है, तो यही कह रहा है कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में भारत के कूटनीतिक प्रयास में, जो कूटनीतिक प्रयास भारत कर रहा है उसमें अब सार्क के ऊपर बिम्स्टेक को महत्व दे रहा है, उसकी विवेचना आपको करनी है, ठीक है। तो आप पहले तो आप भारत पाकिस्तान के मध्य जो वैचारिक मतभेद हैं उन सब चीज़ों को बताएंगे, जिसकी वजह से आप बताएंगे कि सार्क जैसे संगठन का जो उद्देश्य था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से भारत उसे सार्क माइनस वन वाली संकल्पना के आधार पर उसको अलग करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि क्षेत्रीय सहयोग को अन्य संस्थाओं के माध्यम से, अन्य समझौतों के माध्यम से बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए फिर बिम्स्टेक की ज़रूरत आई, बिम्स्टेक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, जिसके निम्न कारण भी आप बता सकते हैं और फिर भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व भी बता सकते हैं। तो आप फिर उसके बाद अपना पॉइंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें आप देखिए तो आप कैसे लिख सकते हैं कि सार्क जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्षेत्रीय संस्थान है, ठीक है, क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बिम्स्टेक क्या है, इंटर रीजनल आपका है। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया के साथ, साउथ एशिया प्लस आपका साउथ ईस्ट एशिया भी इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें थाईलैंड, म्यांमार, ये सब कंट्रीज भी हैं, तो वो जो कि साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, तो वो एक तरीके से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बिम्स्टेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक पे ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अब पॉइंट वाइज ही आप ऐसे इसमें लिखते जा सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि आसियान से भी इसका संपर्क बढ़ाने में काम करेगा, ये एक ब्रिज की तरह। बिम्स्टेक जो आपको, बिम्स्टेक आपको तो वो तो पता ही होगा कि कहाँ पे है। जैसे इंडियन ओशियन वाला जो एरिया है, ये सॉरी इंडियन ओशन का बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, इससे सब जो कंट्रीज लगी हुई हैं वो सारी कंट्रीज आपकी हैं, यहाँ भूटान नेपाल को लेते हुए। तो ये इस तरीके से अब क्या कह रहा है कि जैसे ब्रिज का काम करता है, ये देखिए बीच में है तो साउथ एशिया और ये आसियान के मध्य में ये एक ब्रिज का काम करता है। तो इसलिए ये ग्रुप अगर स्ट्रांग होता है तो भारत का आसियान से भी संपर्क मजबूत होगा, उससे उस संबंध मजबूत होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सार्क माइनस वन और आसियान का बात आप देख सकते हैं। अब इसके लिए आप बता सकते हैं कि भारत यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है इस क्षेत्र में, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया म्यांमार को जोड़ रहा है, उसी प्रकार से आप बता सकते हैं एशियन ट्राइलेटरल हाईवे जो है इंडिया थाईलैंड म्यांमार को जोड़ने वाला है, BBIN है। तो इस तरह के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके सफलता हेतु बिम्स्टेक पे ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है भारत के लिए, ठीक है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
इस बॉर्डर इस तरफ चाइना लगा हुआ है, तो चाइना और चाइना का प्रभाव बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन में बढ़ता जा रहा है इन सभी देशों पे। तो चाइना को भी काउंटर करने के लिए बिम्स्टेक पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि सार्क में आपको पता होगा, सार्क में पाकिस्तान चाहता है कि चाइना को एंट्री मिल जाए, चाइना की वो सदस्यता चाहता है, भारत बिल्कुल इसका विरोध करता है। तो इन सब गतिरोध की वजह से सार्क हो गया है मतलब खत्म एक तरीके से। ठीक है, अब एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं, ये सब देखिए पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप और भी पॉइंट्स इसमें अभी जोड़ेंगे, मतलब मेन मेन पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इसके माध्यम से, बिम्स्टेक के माध्यम से भारत जो उसका नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान को सिर्फ छोड़ के वो फुलफिल हो रही है बिम्स्टेक के माध्यम से। भारत की जो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है वो फुलफिल हो रही है कम्प्लीटली बिम्स्टेक के माध्यम से। और भारत जो चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके विकास के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, उनके विकास को ध्यान दे रहा है, ये एक भारत की अपनी अलग से नीति है, ताकि वो चाइना के लिए उस तरीके से चाइना को मजबूती से काउंटर किया जा सके अपने खुद के टेरिटरीज वगैरह से। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की पॉलिसी कम यहाँ फुलफिल हो रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं बिम्स्टेक पे ध्यान दे के भारत अपनी तीन कोर पॉलिसीज को डायरेक्टली फुलफिल कर रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा लाभ है जिसलिए बिम्स्टेक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप पॉइंट वाइज आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखिए, स्टैट वाले क्वेश्चन है वो, सर आपको जल्द ही इन सब पे भी वीडियो डालेंगे, स्टैट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत लोग परेशान भी हैं स्टैट के लिए कि सर बाकी वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो आएंगे, सब आएंगे, आप लोग एकदम परेशान मत होइए। और देखिए, आपका इवेलुएशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, तो आप उस पर डाउट नहीं कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत लोगों ने काम भी बढ़िया किया है, रिजल्ट भी दे रहे हैं वो, और निश्चित है कि रिजल्ट अच्छा आना ही है। तो देखिए, हम ये डिस्कशन आपका पूरा कंप्लीट करते जाएंगे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब कैसे क्या वो सेकंड वाले जो लास्ट आपका टेस्ट है जीएस का, GS-2 वाला, उसमें किस क्या रिव्यू सिस्टम थोड़ा हम आपके लिए वो पूरा डिटेल में कर दें क्या, ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे भी आपको इस तरह से अच्छे से वीडियो मिलते रहेंगे।